पूरे दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां 20 लाख ईवीएम मशीन गायब हो जाने के बाद भी चुनाव को रद्द नहीं किया जाता है, लेकिन एक पेपर लीक हो जाने पे पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। ये डिजिटल इंडिया का खेल है। याद रखिएगा, मोदी के चेहरे पे जो ये लाली है ना, दरअसल चुनाव आयोग की मेहरबानी है। यही कारण है कि लगातार देश का लोकतंत्र लुट रहा है। जिस ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में होना चाहिए, वो ईवीएम मशीन कभी भाजपा नेता के घर में पकड़े जाते हैं, तो कभी होटल में पकड़े जाते हैं, तो कभी बियर बार में पकड़े जाते हैं। लेकिन चुनाव आयोग खामोश रहते हैं, कार्रवाई नहीं करते हैं। ऐसा लगता है ये आयोग चुनाव आयोग नहीं, देश का आयोग नहीं, बल्कि मोदी का आयोग है। मोदी जी कहेंगे उठ तो उठ, मोदी जी कहेंगे बैठ तो बैठ। देश की मीडिया भी खामोश है। मीडिया तो एक कदम आगे है। मीडिया कहती है आएंगे तो मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे। क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडिया की पोल खुल जाएगी। मीडिया पहले ही कह चुकी है कि मोदी जी एग्जिट पोल के अनुसार सरकार में आ रहे हैं, फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी मीडिया चैनल ऐसा नहीं है जिसके एग्जिट पोल में मोदी जी को पूर्ण बहुमत ना दिया गया हो। फिर देश की मीडिया कैसे सवाल करेगी कि मऊ में सड़कों पे पकड़ा गया ईवीएम मशीन कहां से आया, मिर्जापुर में पकड़ा गया, मऊ में पकड़ा गया, डुमरिया में पकड़ा गया, चंदौली में पकड़ा गया, बिहार के सारण और महाराजगंज में पकड़ा गया, गाजीपुर में पकड़ा गया। इतना ईवीएम मशीन कहां से आया, देश की मीडिया एक भी सवाल नहीं करती है। पूरे सबूत के साथ देश की मीडिया को बताया जा रहा है, चुनाव आयोग को बताया जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग एक ही इशारे में सबको खारिज कर रही है। आप वीडियो देखिए किस तरह से देश का लोकतंत्र आज खतरे में है। आप वीडियो देखिए। अभी मैं वहीं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, जहां पे उतर रहा मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं जी। कोई यहां पे नहीं है, अंदर जो है उतर रहा है, ये लोग कुछ बता नहीं रहे जो नहीं, किसी पार्टी के लोग नहीं यहाँ पे, किसी पार्टी के लोग नहीं यहाँ पे। रूम नंबर 10 रूम नंबर 10 में जो है आज ईवीएम मशीन जो है लाई जा रही है। ये पिकअप से ये लोग उतार रहे हैं, देखिए रूम नंबर 10 से जो है सारी ईवीएम अभी लाए हैं, अभी पिकअप से उतर रहा है। पहले कुछ बक्से पड़े हैं, उसके बाद अभी ईवीएम उतर रहा है। अभी कहाँ से ला रहे हो? देखा आपने वीडियो किस तरह से ईवीएम मशीन को एक जगह से दूसरे जगह किया जा रहा है, लेकिन कोई भी मीडिया सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है कि जिस ईवीएम मशीन को स्ट्रांग रूम में होना चाहिए वो सड़कों पे क्या कर रही है, भाजपा नेता के होटल में क्या कर रही है, ट्रक में क्या कर रही है। जरा सोचिए किस तरह से अपने देश के लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। याद रखिएगा, ये भी 70 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब जनता के नजरों के सामने लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। फिर कोई खड़ा होगा और कहेगा ये चौकीदार देश को मिटने नहीं देगा, देश को झुकने नहीं देगा, देश को बर्बाद नहीं होने देगा, लेकिन संविधान को ताक पे रख के लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। आप समझदार हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ऐसे ऐसे ही ढोंगी बाबा आपको लूट के चले जाएंगे, आपको बर्बाद कर देंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे और आप मुंह देखते रह जाएंगे। आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि देश का चौकीदार भी एक्सपोज हो जाए, देश की मीडिया भी एक्सपोज हो जाए और चुनाव आयोग भी एक्सपोज हो जाए। आप शेयर कीजिए और अपने लोकतंत्र की रखवाली खुद कीजिए। आप शेयर कीजिए। हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ YouTube चैनल को इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके, जो कि बिल्कुल मुफ्त है।